तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग। जी हाँ, हम बातचीत करेंगे आपके साथ VVMI को प्रोग्रामिंग के ऊपर, और ये हमारा VVMI को प्रोग्रामिंग का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने फंडामेंटल्स के बारे में जाना था कि कैसे क्या होता है, तो आज हम बात करेंगे VVA के अंदर रिकॉर्डिंग माइक्रो को एडिट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो। तो आज आधा थ्योरी और आधा प्रैक्टिकल क्लास हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर। जैसे कि हमने आपको कल की क्लास में समझाया कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप अपना कोई भी एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, एक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं बताया कि ये फुल्ली डायनेमिक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इसमें चैनलिंग वगैरह हमें करना पड़ता है। जैसे कि हम देखे कल रात में 9 बजे की हमारी बैच में हम पढ़ा रहे थे कि पूरी की पूरी अटेंडेंस फॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा, वो भी एक्सेल के थ्रू। तो इसको हम रिकॉर्ड माइक्रो से भी किया जा सकता है। चलिए आपके सामने हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने यहाँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया एंड ओके। यहाँ पे हमने मंथ ले लेता हूँ। अब जो भी एक्शन कर रहा हूँ वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप एक्स्ट्रा मूविंग ना करें, मतलब कि कहीं पे क्लिक करना, किसी सीट पे जाना, ऐसी चीज को मत करें। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, तो जहां भी जाएंगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो करते समय आप उतना ही काम करें जितना आपको जरूरत है। और यहां पे डेट ऑफ बर्थ सितंबर लास्ट मंथ और आगे की तरफ मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला लगाया हमने, इसको सिलेक्ट किया कॉमा डीली कंट्रोल आर। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 जैसे रखा और हमने इसके नीचे तक ड्रैग कर दिया। यहाँ पे नेम को डाल देता हूँ, नेम को ड्रैग करता हूँ, बाकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये नेम बताइए, नेम आपने एक डाला, ये पूजा, ये अलग अलग नाम अपने आप कैसे ले लिया? सर हमने उसके लिए ए लगा रखा है। यहाँ फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शन में होता है एडिट कस्टम लिस्ट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हमने न्यू रूल्स, हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला और का, और हमने सेलेक्ट किया ए अगर सैटरडे है, सैटरडे कॉमा ये वापस सेलेक्ट किया और बोला अगर ए संडे। उसके बाद हमने ई फाइव में फाइल को रहने दिया, ई के सामने का डॉलर रिमूव कर दिया ताकि हम ड्रैग करें फॉर्मेट में गए कलर ले दिया एंड ओके एंड ओके एंड फॉर्मेट प्रिंटर से हमने पूरे एरिया पे हमने पेंट कर दिया। ओके सर, और यहाँ पेज लेआउट में गए, हम जीरो लाइन को हटा देते। अब जो भी हमने किया है वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे इस रिकॉर्ड इस माइक्रो को अगर रन करता हूं तो सारा काम कर देगा। माइक्रो वन,
जो बॉर्डर लगाया था उसमें बॉर्डर नहीं लगाया, बॉर्डर यहीं तक लग गया। ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो फुल्ली डायनेमिक नहीं होता है, तो इस कोड में कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। तो ऐसे दिक्कत को दूर करने के लिए हम कोड को एक बार देख लेते हैं। बहुत लंबा कोड बन गया, देख रहे हैं। ठीक है ना, इसका यूज कर सकते। यार दूसरा एग्जांपल मैं आपको दो, एक तो डिक्शनरी की तरह इसका यूज कर सकते हैं आप, कोई चीज नहीं आ रहा है तो उसको कर ले। या दूसरा हम कर सकते हैं कि मैं बड़े बड़े मैक्रो पर ना लिखना पड़े, छोटे मैक्रो में काम हो जाए। तो आपके सामने एक सिंपल सा आपको एक फाइल दिख रहा है सर, दिख रहा है डेटा। अब मुझे क्या करना होता है कि मान लीजिए मुझे इसमें लास्ट में मेरे मंथ डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पूरा का पूरा बहुत बड़ा डेटा बेस है और हमारे बहुत सारे जो इम्प्लॉइज है मुझसे डिमांड करते हैं इसकी डेटा की, ठीक है सर। वो कहते हैं कि सर मुझे डेटा भेज दीजिए, जैन का डेटा भेज दीजिए, फैक का डेटा भेज दीजिए। मतलब कि हमें पूरा ओवरऑल डेटा नहीं देना होता है, जो डिमांड करते हैं वही फिल्टर देना होता है मंथ वाइज। तो हम एक ऐसा मैक्रो लाना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे रन करें, मुझसे मंथ पूछे, मैं उसमें मंथ डालू और पूरा का पूरा डेटा वो कॉपी करे, एक नई फाइल में पेश कर दे और इस लोकेशन में सेव कर दे। ओके, अब इसके लिए हम मैक्रो लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम मैक्रो हमें लिखना पड़े। तो हमने यहीं से रिकॉर्डिंग मैक्रो शुरू कर दिया, मैक्रो का नाम दे दिया, शॉर्टकट दे सकते हो, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो एंड ओके कर। अब देखिए हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, मंथ में गए, हमने यहाँ पे मान लीजिए जैन को सिलेक्ट कर लिया। अब पिवट में कभी भी सिलेक्शन माउस से मत कीजिएगा, क्योंकि माउस से सिलेक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया ही सिलेक्ट हो जाता है। तो कैसे सिलेक्शन कर सिलेक्शन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। अब इसको कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने से पहले हमें क्या करना होगा, कंट्रोल जी स्पेशल और यहां देना होगा हमें विजुअल सेल्स ओनली। ऐसा क्यों, ताकि फिल्टर के पीछे का डेटा कॉपी ना हो। अब कॉपी कीजिए, अब मेरे पास ऑलरेडी दो शीट्स है, लेकिन फिर भी मैं एक नई शीट ऐड करूंगा और उस पे डेटा को पेस्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास दो शीट है, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास दो शीट ना हो, क्या सर। उसके बाद मैंने जैन दिया, इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी किया, क्रिएट कॉपी और यहां चले गए न्यू बुक में, देन ओके, एक नई फाइल में आ गया। अब इस नई फाइल को हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट में, एक्सेलस एक्स के फॉर्मेट में, और इसका नाम दे देते हैं जैन सेव, और फिर फाइल को क्लोज करते हैं। अरे क्रिएट कॉपी हो गया था सर, हम मूव कर देंगे शीट वन में, यहां पे हटा दीजिए हाँ। और राइट क्लिक किया और यहां से हमने डिलीट कर दिया। अब माइक्रो में चले, अब माइक्रो पूरी तरह से रन नहीं करेगा, कुछ दिक्कत है हमारी इस माइक्रो। तो हम यहाँ पे आते हैं इस मॉड्यूल में, सबसे पहले सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, यहाँ पे भी आपको फिल्टर है, दो दो फिल्टर है तो दिक्कत करेगा, तो एक फिल्टर को रिमूव कर दीजिए। दूसरा आपने देखा A1 से लेके 504, बट हमने पिवट लगाते समय डेटा तो सिलेक्ट नहीं किया था, मतलब कि हमने A1 माफ कीजिए पिवट नहीं, फिल्टर लगाते समय हमने डेटा को सिलेक्ट तो नहीं किया था, क्या सर। मतलब कि A1 पे क्लिक करके भी हमने फिल्टर लगाया तो पूरा फिल्टर लग गया, जब एक्सेल में फिल्टर लग सकता है तो VBA भी लग सकता है,
तो यहाँ भी बाकी रेंज को हम डिलीट कर देते हैं और सिर्फ A1 को रखते हैं। और यहाँ ऑटो फिल्टर फिल 12 क्राइटेरिया जैल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 डॉट सिलेक्ट, सिलेक्शन से एंड किया, सेक्शन डॉट कॉपी किया। अब यहाँ देख रहे हैं हमने दो दो बार कॉपी किया हुआ है, एक बार गलत हो गया था ना सर, देखिए दो बार कॉपी का आ गया ना, इस कॉपी को डिलीट कर देता हूं, कर दिया। और यहाँ पे देखिए क्या है, एप्लीकेशन डॉट कॉट कॉपी मॉल पॉज, जब हम लोग इस कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी का वो सराउंडिंग होते जाता है, तो स्कैप करते तो हट जाता है, तो स्कैप का कमांड है। इस स्कैप को हम क्या करते हैं, नीचे कहीं डाल देते हैं, पेस्ट के बाद डाल देते हैं, हट जाएगा, बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, पेस्ट स्पेशल विजुअल सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन को कॉपी किया, सीट को ऐड किया और पेस्ट किया, फिर एस्केप मार के कट को भी मोड पॉज कर दिया। अब यहां पे देखिए सीट को डॉट सिलेक्ट, अब यहां एक कॉलम आ गए, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, सीट डॉट ऐड, एक नई सीट को ऐड किया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारी एक नई सीट ऐड होगी, उसका नाम सीट 4 होगा, इसकी गारंटी थोड़ी है, तो इसको हटेगा। अब यहाँ पे सीट 4 को हमने रिनेम किया हुआ जैन से, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि हर बार सीट 4 थोड़ी होगा, तो क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ आपने देखा होगा एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट हो सकता है तो एक्टिव सीट डॉट नेम भी हो सकता है, और ये जैन डॉट सिलेक्ट हमने हटा दिया, कट कोई मोर फॉल्स ऊपर ऑलरेडी है, एक्टिव शीट डॉट कॉपी, हमें कॉपी नहीं करना था, हमें मूव करना था, तो कॉपी को चेंज करके मूव कर दिया, थोड़ा सा गलती हो गया था, और फिर हमने फाइल को सेव एज कर दिया, एक्सप्लोर और शीट 1 को सिलेक्ट कर, अब मेरा माइक्रो परफेक्टली काम करेगा, लेकिन सिर्फ जैन नहीं, जैन के लिए मंथ चेंज करना होगा, तो हमें कोड में यहाँ पे जैन, अब मान लीजिए आप हमें टाइप कर देता हूँ, जाइए जहां जहां जैन है वहां 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 टाइप कर दीजिए, यहाँ टाइप कर दिया, यहां भी हम टाइप कर देंगे और यहां भी हम टाइप कर देंगे। अब देखिए इस मैक्रो को हम रन करते हैं, देखिए फरवरी सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप डॉक्यूमेंट में जाके देखेंगे तो साहब नाम का फाइल बना दिया। अब यहीं पे एक दिक्कत और आ गई कि हमें कोड में जाके साहब लिखना पड़ रहा है, हम कोड में जाके साहब ना लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझसे कोई इनपुट बॉक्स दे, तो इसमें एक कोड ऐड करेंगे, m इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां करेंगे एंटर मंथ नेम, और जहां जहां टैग की डिमांड है वहां वहां हम m को डाल देंगे। अब यहां पे डायरेक्ट m नहीं डालेंगे सर, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है ना सर, यहाँ पे एम कर देंगे तो एम नाम का ही फाइल बना देगा, बट हमें तो एम के ऊपर स्टोर की वैल्यू चाहिए। अब कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो रही है कि एम है क्या, तो मैथमेटिक्स में जब हम यूज करते हैं तो हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं ना, तो वेरिएबल्स करते हैं, तो ये भी एक वेरिएबल है, मतलब कि टेम्पररी स्टैंडिंग लोकेशन। इनपुट बॉक्स का एक पॉपअप है जिसमें हम नाम डालेंगे, तो वो नाम किसको देगा, एम को देगा, एम अपने पास उसको स्टोर रखेगा, कब तक, जब तक ये माइक्रो चल रही है तब तक, और जब भी जहां जहां मुझे इनपुट बॉक्स की वैल्यू की जरूरत होगी वहां वहां हम एम को कॉल कर लेंगे। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पहले ऊपर डिफाइन कर लेते कि x इक्वल टू, सपोज x इक्वल टू 100, और जहां जहां 100 चाहिए होता है वहां वहां आप x यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स वैसे होता है ना सर, तो सेम थिंग यहां भी होगा। इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगा तो सिस्टम समझेगा कि एम नाम का फाइल ही बनाना है, एम की वैल्यू नहीं,
इसको हमें कॉन्कटानेट करना होगा तोड़ के। सेम उसी तरह से जैसे यहां पे मान लीजिए कि P1 पे हमने लिख दिया 50, तो अगर मैंने लिखा P1 प्लस 20 तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा क्या? लेकिन मैंने P1 किसी सेल पे रख दिया, फिर मैं बोलूंगा कि P1 प्लस 20 तो वर्क नहीं करेगा ना सर, वर्क करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट हो गया ना, तो इन्वर्टर कॉमा में आते ही वो टेक्स्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हमने इसको तोड़ दिया, अब मेरा माइक्रो फुल्ली डायनेमिक हो गया। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। पहला चीज ये जो एम है ऊपर में, एम में इन्वर्टेड कॉमा जैसे क्राइटेरिया जहाँ पर जनवरी फरवरी का हमने एम लिखा वहाँ एम, इसलिए एम में हम लोग ने टेक्स्ट वो इन्वर्टेड इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो वेरिएबल एक्स एक्स की तरह काम कर रहा है इसलिए नहीं ले रहा, राइट? जी जी। तो यहाँ पर ये वाला नहीं समझ में एंड एम एम वाला, ये बार फिर से बताइए ना सर। एम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है ना, ठीक है, उसको पूरा परफॉर्म में चाहिए, पूरा पाथ विद फाइल नेम विद एक्सटेंशन, बट फाइल नेम जो है मुझे वेरिएबल पे स्टोर है, एम पे स्टोर है, और एम को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखते। अगर मैं यहाँ लिख दू एम डॉट एक्स प्लस एक्स तो क्या होगा? तो फाइल का नाम एम ही लेगा, एम नाम से फाइल बना देगा, एम की वैल्यू जैसे एम पे जैन पे मास स्टोर है तो जैन पे मास नहीं लेगा, वो एम ले लेगा। इसलिए आपको इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखना था। एंड परसेंट क्यों दिया? ज्वाइन करने के कॉन्कटानेट करने के लिए। नहीं तो हम लोग कॉन्कटानेट क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ कॉन्कटानेट कर रहे हैं, कॉन्कटानेट कर रहे हैं हम पाथ। ये हो गया, क्या हो गया? पाथ। अब पाथ में ऐड हो जाएगा नेम, फाइल नेम, और फाइल नेम के साथ ऐड हो जाएगा एक्सटेंशन, क्योंकि सेव एज को कंप्लीट पाथ फाइल नेम विद एक्सटेंशन चाहिए। समझे? इस तरह से जैसे कि जैन डॉट एक्सएलएसएच, अब ये जैन हमारा ऑटोमेट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है, इसलिए हमने इसके लिए कांड किया। तो मैं कंफ्यूजन ये हो गया था, ये इन्वर्टेड मैं सोचा एंड एम एम के लिए, लेकिन ये पहला इन्वर्टेड कॉमा ये सी के पहले को एक बना दिया, फिर कॉन्कनेट का एम यूज करके फिर ये लास्ट वाला एक बना दिया, है ना? जी हाँ हाँ, दोनों को ज्वाइन करके। ओके ओके, ठीक समझ गया। हाँ जी, अब मैं इस माइक्रो को एक बार टेस्ट करता हूँ आपके सामने। जैसे मैं इस माइक्रो को रन करूंगा मुझसे पूछेगा मंथ नेम, मैं डाल दिया मार्च एंड ओके। मार्च फिल्टर है, और आप अपने डॉक्यूमेंट से देखें एक बार, रिफ्रेश कीजिए, मार्च आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अब रिकॉर्डिंग माइक्रो का बेनिफिट लिया, क्यों? क्योंकि हमें कोडिंग बहुत कम करनी पड़ी, सारी कोडिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी सी कोडिंग हमने डिलीट की, एक आध लाइन को ऐड किया और कुछ लाइन को चेंज किया। तो मैं कल जो समझाया था आपको कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज हम दो चीज से भी करते हैं, पहला लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी, जैसे कि मुझे पता नहीं कि विजुअल सेल्स का कोड क्या होता है, हम रिकॉर्ड करके देख लेंगे कि विजुअल सेल्स सिलेक्ट करने का कोड क्या होता है, क्या सर? तो लर्निंग पीरियड में हमें क्या, जो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, एज ए डिक्शनरी, डिक्शनरी। और लर्निंग के बाद अगर आप मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर भी इसको यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा आपका? मेहनत कम करनी पड़ेगी, काम थोड़ी ज्यादा होगी, हमें कोड लिखना नहीं पड़ेगा पूरा का पूरा, स्टेप्स हमें मिस भी होंगे। जैसे मान लीजिए ना कि अगर टाइप करते समय आपका कंफ्यूजन हो गया तो आपने क्या किया, सिलेक्ट पहले कर दिया, बाद में किया कॉपी पहले कर दिया, गलत हो जाएगा ना, पहले हमें सिलेक्ट करना है फिर कॉपी करना है ना, क्योंकि बीवी है वन बाय वन चलता है, वो सबसे पहले इस लाइन को चलाएगा, ए लाइन सक्सेसफुली रन हो गया देन इसको वर्क करेगा, ऐसे वर्क हुआ देन इसको देन इसको देन इसको, ऐसे वन बाय वन लाइन बाय लाइन चलेगा, कहीं भी एरर आया तो वही रुक जाएगा, उससे नीचे के प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। ओके सर,
तो रिकॉर्डिंग मैक्रो समझ में आ गया। अब आप अपने ऑफिस के कुछ मैक्रो को रिकॉर्ड करके एडिट करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस मैक्रो को रन कैसे किया जाए। तो रन करने का दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां से जाकर रन कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन में जाके आप शॉर्टकट डिफाइन कर दें। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू से इस मैक्रो को ट्रिगर कर सकता हूं। या फिर आप यहाँ इंसर्ट में आपके सामने फॉर्म कंट्रोल है, तो यहाँ फॉर्म कंट्रोल और यहाँ से अपना मैक्रो असाइन कर, असाइन हो गया सर। अब इसकी नाम चेंज कर देता हूँ, गेट डेटा। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोड करना है तो यहाँ एक्टिव कंट्रोल में आइए, इसको ड्रैग कीजिए और फिर इस पे डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, उस मैक्रो का नाम लिख देना है, समझे। बट स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, मैक्रो टू, ओके सर, तो रन हो जाएगा। राइट क्लिक करके बोले, क्या बोले, कुछ पूछा था। ये जो आप बनाए कमांड बटन, इसका ये गेट डेटा तो एक ही चीज हुआ ना। हाँ, मतलब ऊपर वाला जो क्या हुआ कि हमें असाइन करना पड़ेगा, नीचे वाला क्या हो गया, हमने कोड कर दिया। तो नीचे वाले में कंडीशन लगा सकते हैं ना कि भाई हाँ सीट वन एक्टिव हो तभी मैक्रो चले, इस तरह कंडीशन उसमें और भी कोड डाल सकते हैं ना। यहाँ जो आपने डबल क्लिक किया, एक लाइन दिया, इससे पहले हम कुछ और लाइन भी डाल सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं, कंफर्मेशन डाल सकते हैं, समझे ना। बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो जस्ट असाइन हुआ है। उसी तरह से अगर आप डिजिटल मतलब थोड़ा सा ग्राफिकल बटन चाहते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह या स्टैप्स वगैरह आपने डिजाइन कर दिया, तो आप उसको डिजाइन कीजिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, अब इसकी अच्छी से एक फॉर्मेटिंग वगैरह ले लेता हूँ और इस पे लिख देता हूँ गेट डेटा, और इस पे हमने थोड़ा सा टाइप कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, अब इस पे मैं चाहता हूँ कि क्लिक हो तो मैक्रो रन हो, तो सिंपल सा राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो, मैक्रो को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके, आपका मैक्रो रन होना शुरू हो जाएगा, ओके सर, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ ठीक, मेरा एक क्वेश्चन था एक और। हाँ, जैसे कि है ना, ये तो अलग अलग शीट क्रिएट होता है हम लोग के, यही सेम एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है हमारे पास, उसको पहले हम लोग को पिवट में बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो हम लोग का जो ओरेकल के फॉर्मेट में आ जाए। वो करने के बाद वो एक ही फाइल में हम लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि रो नंबर 11 के बाद ही होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर उतना उतना रो देख के उसमें लेता है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं ना। मगर मैं रिकॉर्ड हाँ, देख लूँ ना। हाँ, आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए, मत लेना। देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीजों की है, तो अभी तो जैसे हमने स्टार्ट किया है, अभी तो हमने इसकी डिक्शनरी को यूज करना सीखा है ना। तो अभी आपको क्या करना है कि आप अपने रिपोर्ट के छोटे मोटे पार्ट, अब देखिए एक बार ऑटोमेट मत कीजिए। अब मान लीजिए कि डेढ़ घंटे काम एक बार ऑटोमेट करने चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उसके फेजेस में ऑटोमेट कीजिए। जैसे कि आपको पिवट लगाना है, तो पिवट लगाने को रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, तो पिवट आपका ऑटोमेटिक लग रहा है, मतलब आपको पिवट लगाने का जरूरत नहीं, रख सकते पिवट अगर आप अपने आप लग जाएगा। देन अगला फेज होगा कि हाँ डेटा कॉपी करके लाना, उससे अगला फेज होगा फॉर्मेटिंग चेंज करना, तो फेज बाई फेज चलिए, समझ गए। फेस में क्या होगा कि एक बार हमारी टेक्नोलॉजी विकसित तो ऐसी हुई है ना सर, कंप्यूटर भी एक बार पूरा जैसे लैपटॉप देख रहे बंद के थोड़ी आ गया था, शुरुआत में थोड़ा सा बना, फिर थोड़ा अपडेट हुआ, थोड़ा अपडेट हुआ, थोड़ा अपडेट हुआ, थोड़ा अपडेट हुआ। तो लर्निंग पीरियड में भी आप ऐसे ही करें, फेस बाई फेस, एक फेस को कंप्लीट करें, फिर दूसरा फेस, फिर तीसरा फेस, फिर चौथा फेस, फिर पांचवा फेस। इससे दो बेनिफिट है। पहली बेनिफिट है कि कुछ ऐसे फेसेस होंगे जो कि कम, जो कि पॉसिबल नहीं होंगे, वो ह्यूमन ही कर सकता है, सिस्टम नहीं कर सकता है, समझ गए ना सर।
फेस को छोड़ के बाकी फेस हो जाएगा तो सही रहेगा ना सर, आपका एटलीस्ट 80% 90% ऑटोमेट हो गया, 10% मैनुअल है। तो ऐसे आप टुकड़ों में बांटे रिपोर्ट्स को, टुकड़ों में बनाए, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ओके। तो इस पे आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ टाइप ऑफ मैक्रो एल्गोरिदम, हाउ कैन राइट द मैक्रो, इसके बारे में। तो कल हमारी क्लास की लास्ट थ्योरी क्लास है, ठीक है, ठीक है। और मुझे उससे पहले चाहिए कम से कम 5 रिकॉर्डिंग मैक्रो जो कि आपने अपने हिसाब से एडिट किया हो, ओके, ठीक है, किसी भी चीज से आप समझ लीजिए, बन जाएगा सर। तो मुझे कोई रॉ डेटा आप दे सकते हैं कि कैसे? अच्छा, रॉ डेटा चाहिए, ठीक है, मैं रॉ हम लोग का आपको मेल कर देता हूँ रॉ डेटा। हम लोग के ऑफिस वाले लैपटॉप में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते ना, मतलब वो सब भी चक्कर है सिक्योरिटी वाला। इमेज बताएंगे अपना, VKAW। मैं ये चैट पे लिख दूं क्या? हाँ चैट पे दे दीजिए। जो फाइल जिसे मैं वर्क किया इसी को भेज देता हूँ आपको मैं, ठीक है।